हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो आप ही की रिक्वेस्ट पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं एनशाइन एफसी क्रीम के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस क्रीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आप हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एनशाइन एफसी क्रीम की बात करते हैं कंपोजिशन की। सो फ्रेंड्स, इसमें यूज़ किए गए हैं कोकोनोइन एक्टोनाइट हाइड्रोक्विनोन एंड ट्रेटोनोन क्रीम को। सो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की हाइड्रोक्विनोन क्रीम है और ये एक प्रकार का हार्डली स्टेरॉयड है। नाउ फ्रेंड्स, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ दिस क्रीम। तो इस क्रीम के यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज़ किया जाता है हमारे फेस के पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और स्कार्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। कंपोजिशन के तौर पर यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्विनोन, तो यह हमारे फेस के मेलानिन के प्रोडक्शन में करता है चेंज और हमारे फेस की ऊपरी लेयर को करता है वर्न, जिसके कारण हमारा फेस दिखता है दोस्तों गोरा गोरा। और जब हम जाते हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स के संपर्क में और या फिर हम इसके साथ में कोई और फेस क्रीम, केमिकली क्रीम या फिर स्टेरॉयड वाली क्रीम्स को कर लेते हैं यूज़, तो वो करती है दोस्तों रिएक्शन, और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिएक्टेड है, तो इसके कारण हमारे फेस पर हो जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की प्रॉब्लम। तो आपको दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस क्रीम का कर रहे हो यूज़ तो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसके कारण हमारे फेस पर आज नहीं तो कल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आपके इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट दोस्तों अगर आप लकीली हो ड्राई स्किन वाले तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने की संभावना हो जाती है कम। सो फ्रेंड्स, यही है इस क्रीम के बारे में मेरा अपना ओपिनियन। अगर आप इस क्रीम के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो देन कमेंट बिलो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।